Hello, my dear students. This is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So today we will discuss various competency-based questions for CBSE Class 10 Information Technology Subject Code 402. As you know, the sample paper which has been issued by the CBSE for Term 1 exams, your paper will be divided into three sections. Section 3 will be of competency-based questions. In that, 7 competency-based questions will be asked and you have to attempt any 5. 7 competency-based questions given honge and out of those 7 you have to attempt any 5. Right? Ab kafi students ke mind mein aate hai ki competency-based questions hote kis tarike se attempt karte hain. See, attempt karne ka method bilkul simple hai. Chahe wo competency-based questions ho, chahe koi bhi MCQs ho. Agar aapke concepts clear hain, आपने चैप्टर में जितने टॉपिक्स दे रखे हैं सब अच्छे से समझ रखा है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर रखा है, हर एक का मीनिंग पता है, हर एक टर्म का मीनिंग पता है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. बट अगर आपने चैप्टर की रीडिंग नहीं की है, मींस कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर, सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किए जा रहे हो, तो वहां पर एमसीक्यूज हमारे लिमिटेड हो जाते हैं, वहां पर आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगा. सो इट्स बेटर आप जो सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है, डू चेक इट आउट, उसको एक बार चेक करोगे तो सारे मीन टॉपिक्स आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएंगे. प्लस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द चैप्टर वाइज वीडियोस फॉर ईच टॉपिक, डू चेक इट आउट. अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की. इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दे विल नॉट आस्क यू द क्वेश्चंस डायरेक्टली, कुछ सिचुएशन गिवन होगी, बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन यू हैव टू गिव योर आंसर. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वेरियस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. अब कर देते हैं वीडियो की शुरुआत. But before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, तो किस बात का वेट कर रहे हो? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, so that आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है. और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइक, इतना तो बनता है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. So now let's start with our first question. अब question को बहुत ध्यान से समझना, right? Sumedha is a book editor. She wants to publish her first book. She is creating a table of content. That means index she wants to create for her book using OpenOffice Writer. Which option should she check properly before using table of content? अब इसके लिए आपको table of content का जो topic है वो clear होना चाहिए कि इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट तो मुझे किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, ओपन ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, राइट? टेबल ऑफ कंटेंट मींस योर इंडेक्स. अब उसके लिए जो सुमेध है उसको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? ऑप्शन ए स्टाइल्स, ऑप्शन बी हेडिंग लेवल, ऑप्शन सी फॉन्ट कलर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. ठीक है, हर बार जहां पर ऑल ऑफ दिस गिवन हो, आंसर हमेशा ऑल ऑफ दिस नहीं होता है, राइट? तो सुमेधा को ध्यान रखना पड़ेगा हेडिंग लेवल्स का, बिकॉज जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होता है दैट इज बेस्ड ऑन द हेडिंग लेवल. जिसमें आप हेडिंग 1 लिखोगे दैट विल बी एट द टॉप मोस्ट लेवल, हेडिंग लेवल 2 होगा तो उसके मीन्स उसकी सब हेडिंग बन जाएगी एक तरीके से. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हेडिंग लेवल. नाउ नेक्स्ट इज अमृता इज सेलिब्रेटिंग हर 14th बर्थडे. She wants to invite her friends and family members to the party. Which feature will she use to send the same invite to many people with different addresses without typing it again and again? I'm sure ये सभी को आता होगा. Correct answer is mail merge. With the help of mail merge, if I want to send the same letter, means अगर मुझे मेरा पास एक document है, let's suppose Amrita is celebrating her 14th birthday, right? तो यहाँ पर उसने टाइम डेट वेन्यू सब कुछ लिख दिया जो सेलिब्रेट करना है, दैट इज नोन एज योर मेन डॉक्यूमेंट. अब किस किस को सेंड करना है उसकी जो लिस्ट होगी एड्रेस की, दैट इज नोन एज योर डेटा सोर्स, राइट? तो अब जिस जिसको सेंड करना है वो सबकी लिस्ट आ जाएगी, नेम एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर जो वो इंक्लूड करना चाहिए, दिस इज नोन एज डेटा सोर्स. ये कंसेप्ट हम किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज. So the correct answer for question 2 is mail merge. Now next is, suppose you want that your company's logo
must appear on the top of the first page every time you open your document. Means जब भी मैं अपना document open करूं, मेरे पास first page पर company का logo आ जाए. Every time when I open the document. Which option of open office writer will you use? First option is style, second is table of content, third one is header and fourth is template. See, style हर एक पेज पर नहीं apply कर सकते हैं. हर एक पेज पर in the sense means जब भी मैं document open करूं तो वो चीज नहीं आएगी, right? एक मेरे पास option क्या header. Header से क्या होता है कि if I want some text to be repeated on every page. अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि हर एक पेज के टॉप पर मुझे कंपनी का लोगो चाहिए तो ऑब्वियसली आई कैन गो विद हेडर ऑप्शन. बट क्वेश्चन में क्या है कि जब भी मैं न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करूं मेरे पास फर्स्ट पेज पर क्या आ जाए कंपनी का लोगो. दैट आई कैन इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट. उस टेम्पलेट को मीन्स जो भी आप ये सेट करोगे कंपनी का लोगो लगा दोगे टॉप राइट साइड पर उसको हम क्या सेट कर देंगे सेट एज डिफॉल्ट. तो जैसे मैं उस टेम्पलेट को सेट एज डिफॉल्ट सेट कर दूंगी तो मेरा जब भी मैं उस डॉक्यूमेंट को मीन्स अपना न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी एवरी टाइम योर कंपनी लोगो मस्ट बी देयर. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फातिमा हैज इंसर्टेड अ पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट बट शी वांट्स टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द पिक्चर. ये उनका एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पर उन्होंने एक पिक्चर इंसर्ट की है बट शी वॉन्ट्स टू कट द पार्ट ऑफ दैट पिक्चर. कुछ पिक्चर का इमेज का पार्ट कट करना है. विच ऑप्शन शुड शी यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क. सी अगर कट ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो पूरी इमेज कट हो जाएगी बट मुझे पूरी इमेज को कट नहीं करना मुझे सिर्फ क्या कट करना है इमेज का एक पार्ट. तो देन दैट मीन्स वी विल यूज ऑप्शन सी दैट इज क्रॉप. क्रॉप का मतलब ही क्या है कि इमेज का कुछ पार्ट जो आपको नहीं चाहिए वी कैन क्रॉप दैट पार्ट. Now next is Krishna wants to make a flowchart for his programs in a Word document. क्या prepare करना है flowchart. Which option should he use to accomplish this task efficiently? अब जिनको flowcharts नहीं पता let me show you. हमारे पास flowchart में कुछ इस तरीके से symbols होते हैं like oval symbol होते हैं फिर कुछ lines होती हैं जो आपका flow बताती हैं. Then मेरे पास कुछ पैरेललोग्राम शेप में सिंबल्स होते हैं. देन कुछ मेरे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स में होते हैं सर्कल बॉक्स में होते हैं इस तरीके से राइट. डायमंड शेप सिंबल होता है ये सारे सिंबल्स होते हैं हमारे पास फ्लो चार्ट में. सो अगर किसी को फ्लो चार्ट क्रिएट करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करें. फर्स्ट आ जाते हैं ड्रॉइंग या फिर शेप्स. ये सारी की सारी मेरी शेप्स ही हैं तो दैट मीन्स वी कैन कंसिडर दिस ऑप्शन. ऑप्शन बी सिंबल्स. दीज आर नॉट सिंबल्स. सिंबल ऑप्शन में आपके वो सिंबल्स होंगे जो आपके कीबोर्ड में नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कॉपीराइट सिंबल डिविजन सिंबल राइट. कुछ सिंबल्स मेरे कीबोर्ड पर नहीं होते बट स्टिल आई वॉन्ट टू इंक्लूड दो सिंबल्स इन माई डॉक्यूमेंट तो देन आई विल गो विथ सिंबल्स ऑप्शन. तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज पिक्चर्स. पिक्चर ऑप्शन से आपके जो सिस्टम में पिक्चर्स होंगे जो गैलरी के इमेजेस है वो इंसर्ट कर सकते हो ये भी नहीं होगा. तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज शेप्स. ये सारी की सारी मेरे पास क्या है शेप्स या फिर लिखा हो ड्रॉइंग ऑप्शन बोथ आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज सपोज इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट. कि किसी इन्वेस्टमेंट पर कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लगा रही है तो मेरा क्या उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. Which feature of Open Office Calc would you use to quickly view the result based on different interest rate? Means if I will apply the interest rate 3%, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा. अगर मैं इंटरेस्ट रेट 7% लगा दूं उसका क्या इफेक्ट रहेगा. जब भी इस तरीके से आपके क्वेश्चन में हो कि अगर मैं ये चीज पे इतना परसेंट या कुछ भी अप्लाई कर दूं वैल्यू तो मेरा रिजल्ट किस तरीके से इफेक्ट रहेगा उसका इफेक्ट रिजल्ट पर क्या पड़ेगा. तो आंसर हमेशा क्या होगा सिनेरियो. या फिर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मुझे ये ऑप्शंस को सेव करके रखना है राइट. जो मेरे पास सिनेरियोस होते हैं उनका रिजल्ट मैं सेव करके रख सकती हूँ. फॉर एग्जांपल जब मैंने इंटरेस्ट रेट 7% लगाया तो उसका आंसर ये आया. इस चीज को मैं सेव करके रख सकती हूँ. आई कैन क्रिएट वन सिनेरियो ऑफ दिस. सिमिलरली इफ आई विल अप्लाई इंटरेस्ट 5% ऑन इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास ये रिजल्ट आया ये इफेक्ट पड़ा राइट. तो इस चीज को मैं सेव करके रख सकती. So for this, the correct answer is option B, that is scenario. Now next is,
लेट्स से यू हैव $10,000, $10,000 बहुत ज्यादा हो गए ना, दैट यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू म्यूचुअल फंड फॉर वन ईयर. कितना अमाउंट है, वी आर हैविंग $10,000. इसको मुझे दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. फंड एक्स है एक मेरे पास एंड अनदर इज फंड वाई. फंड एक्स इज अ लो रिस्क फंड विथ 8% इंटरेस्ट रेट एंड फंड वाई इज हाइयर रिस्क फंड विथ 12% इंटरेस्ट रेट. हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन ईच फंड टू अर्न अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ $1,000. तो विच ऑप्शन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस. इसमें मैं कुछ रिजल्ट तुम नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ तो सिनेरियोस नहीं होगा. ठीक है, सिनेरियोस कब यूज करोगे कि अगर मेरे पास 10,000 जो हमारा डॉलर जो हमारे पास मनी है अगर मैं वो इससे इस पे इन्वेस्ट कर रही हूँ रिजल्ट पर ये इफेक्ट पड़ रहा है राइट. फिर कोई और अमाउंट दे दे फिर रिजल्ट पर ये इफेक्ट कर रहा है तब आप सिनेरियो यूज कर सकते हो. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन ईच फंड. दोनों फंड में मनी इन्वेस्ट करनी है राइट. गोल सीक फॉर वन अननोन वेरिएबल. अगर मेरे पास सिंगल अननोन वेरिएबल होगा तो देन आई विल गो विथ गोल सीक ऑप्शन. सॉल्वर कब यूज करेंगे, मोर देन टू. अगर मेरे पास टू या उससे ज्यादा अननोन वेरिएबल्स हैं तो हम किसके साथ जाएंगे, सॉल्वर के साथ राइट. अब अगर मैं इसमें चेक करूं तो वी आर हैविंग टू अननोन वेरिएबल्स, कौन कौन से, एक्स एंड वाई. हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन ईच फंड, और फंड कितने मेरे पास, टू, दैट मीन्स एक्स और वाई. एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल्स हो तो आंसर क्या होगा, सॉल्वर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज सॉल्वर. नाउ सी दिस क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज प्लानिंग हर गोल्स अबाउट द मार्क्स शी शुड अटेन इन द फोर्थकमिंग सेमेस्टर फोर एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू अचीव अ डिस्टिंक्शन ऑफ 75%. अज्यूमिंग दैट एग्जामिनेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट फॉर 100 मार्क्स, her marks of the previous semesters are given as under. Find out how many marks should she obtain in fourth semester. एक semester की बात हो गई, एक unknown variable है, answer क्या होगा बेटा, option A, that is goals. I hope it's clear now, right? Next is, Karthik is working as a bank manager in a reputed company. He has to create and save values of different EMI for different loan amount. Different EMI, different loan amount, values save करके रखनी है. Which feature of spreadsheet he can use for this same? Correct. आपका answer मुझे मिल चुका है, ठीक है? That is option A, scenario. Very good. Now next is question 10. Rohit scored 25 out of 30 in English. Let's write it here. English में उसके marks हैं 25 out of 30. 22 out of 30 in maths and he wants to calculate the score of IT. He needs to achieve 85% in aggregate, right? Suggest him the suitable option out of the following to do so. See, scenarios में मैं answer calculate करूंगी. जहां पर मुझे answer given होगा ना, वो या तो goal seek का option होगा या solver का. Both are based on backtracking. Backtracking means answer given होगा goal seek के केस में भी और solver के केस में भी. तो that means scenario मेरे पास नहीं होगा. Goal seek और solver को भी option में रखें, subtotal भी नहीं होगा, right? अब देखो goal seek और solver में से कौन सा आएगा? एक unknown variable है, सिर्फ IT के marks find out करने हैं, तो that means goal seek, right? One unknown variable के लिए हम क्या लिखेंगे? Goal seek. Now let's move on to our next question. If you are the sponsor of a youth baseball team, the coach has submitted the budget to you for the season and you need to edit the coach and return it to your coach, right? You are concerned that if you just make the changes, then the coach won't be able to see the changes you made. So which feature of open office calc would you use so that coach can easily see the changes you have made? If you want ki jo bhi aap changes kar rahe ho visible rahe, for that we have to turn on the option of record changes. So the correct answer for this is option C, that is record changes. Now next is, Sunita has created a worksheet where she has added all the information of her employees. Sare employees ki information usne
ऐड कर दी, राइट। नाउ शी वांट्स टू कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। विच फीचर ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क शुड शी यूज टू रिपीट द कैलकुलेशन फॉर एवरी एम्प्लॉय, कि हर एक एम्प्लॉय के लिए वो जो सैलरी उसने कैलकुलेट की उस कैलकुलेशन को रिपीट करना उसने, तो कौन सा ऑप्शन वो यूज कर सकती है? मैक्रो, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज मैक्रो। नाउ नेक्स्ट इज, समटाइम्स मल्टीपल रिव्यूअर्स रिटर्न एडिटेड वर्जन्स ऑफ अ वर्कशीट एट द सेम टाइम। अब देखो होता क्या है, जब हम अपनी वर्कशीट को शेयर करते हैं, राइट, तो जिसको मैंने शेयर की, जो हमारे मल्टीपल रिव्यूअर्स हैं, उनके पास दो ऑप्शन है जब वो चेंजेस करेंगे। फर्स्ट इज दे विल टर्न ऑन द ट्रैक चेंज और रिकॉर्ड मोड ऑप्शन, और या फिर वो रिकॉर्ड ऑप्शन को चेंज मींस ऑन करना भूल जाए। अगर उन्होंने रिकॉर्ड चेंजेस के ऑप्शन को ऑन किया है, फिर जो मैं कंसेप्ट अप्लाई करूंगी दैट इज मर्जिंग वर्कशीट। बट अगर वो भूल गए हैं रिकॉर्ड चेंजेस को रिकॉर्ड करना, एट दैट टाइम आई विल यूज द ऑप्शन ऑफ कंपेयरिंग वर्कशीट। नाउ नेक्स्ट इज, क्रिश एंड कृतिका हैव डन अ सर्वे ऑफ एज वाइज लिटरेसी रेट ऑफ देयर लोकेलिटी एज अ स्कूल प्रोजेक्ट विच दे हैव क्रिएटेड इन अ स्प्रेडशीट। दे बोथ वॉन्ट टू वर्क साइमल्टेनियसली टू कम्प्लीट इट ऑन टाइम। एक ही स्प्रेडशीट है बेटा, दोनों ने साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ काम करना है उस पर। विच ऑप्शन दे शुड यूज टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट टू स्पीड अप देयर वर्क? Yes, very good. The correct answer is option B, that is shared worksheet. Now next is, Hema is a chartered accountant. She used to maintain the accounts in a spreadsheet on everyday basis. Daily वो accounts prepare करती है. So there are number of steps which she needs to follow every time. कुछ steps हैं, कुछ functions जो उसको daily perform करने पड़ते हैं. Can you suggest a feature of spreadsheet through which she can perform this task quickly without repeating the steps every time? कौन सा ऑप्शन यूज कर दे? मैक्रोस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस जो भी उसकी मीन्स जो स्टेप्स रिपीट करने हैं उसको रिकॉर्ड करके सेव कर देंगे। सो एवरी टाइम व्हेनेवर वी नीड दो स्टेप्स वी जस्ट रन आवर मैक्रो। नाउ नेक्स्ट इज, राज हैज क्रिएटेड अ वर्कशीट वेयर ही हैज एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉइज। नाउ ही वॉन्ट्स एवरी एम्प्लॉय टू गो थ्रू द वर्कशीट एंड अपडेट देयर एड्रेस एंड फोन नंबर चेंज करना है। He also would like to know the changes done by his employees. कि जो employees changes कर रहे हैं वो भी पता लग जाए कौन कौन से changes कर रहे हैं। तो which feature of spreadsheet he should unable to see the changes made by his employee? Track changes, right? Track changes का option on करके changes करेंगे तो red border से highlight हो जाते हैं, अलग से आपके वो changes visible होंगे। Now next is, Sunita is making a project in spreadsheet. Her friend has told her how to rename a spreadsheet as it will help her identify the worksheet data easily. So she was very excited and told the same to her brother. Her brother told her that in spreadsheet, open office, calc, a worksheet can be renamed using dashways. कि आप अपनी worksheet को कितने तरीकों से rename कर सकते हो? Correct answer is option B, that is three. Now next is, Akshat wants to store a very less amount of information in a single table. Single table की बात हो रही है, amount of information भी कम है, तो then the correct answer is option A, that is flat file. Now next is, Akshat wants to store data in multiple tables और वो tables आपस में link भी हैं common field से, तो कौन सा method use करेंगे? Relational. Next is, Akshat wants to store information of his company in a free and open source software. कि अक्षत ने किस अपने company की जो सारी के सारे information है वो store करनी है free और open source software में। अब company की बात हो रही है तो open office calc मेरा उतना effective नहीं है information को store कराने के लिए, क्योंकि मैं वहां पर reports नहीं generate कर सकती, plus मैं forms नहीं create कर सकती, right? वो काम हम किस में कर सकते हैं? open office base और MS Access में। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पूछा विच इज फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री और ओपन सोर्स भी हो, तो एमएस एक्सेस जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं दैट आर नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जो मेरा ओपन ऑफिस बेस है दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट इज, निशा हैज क्रिएटेड अ टेबल
to store the details of students of class 10 in a database student which fields as roll number, first name, marks, contact number. Which field should she use for primary key? See, primary key एक टेबल में वो कॉलम होगा जिसकी वैल्यूज क्या होंगी हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होंगी. फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर हर एक स्टूडेंट का अलग होगा, आधार कार्ड नंबर डिफरेंट होगा, एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, दिस कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की. और प्राइमरी की मेरे पास मेरी टेबल में एक ही होगी. अब जो निशा है दैट इज शी स्टोरिंग द डेट ऑफ क्लास 10th ओनली. अब हो सकता है क्लास 10 में मेरे पास फर्स्ट नेम भी रिपीट हो रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर भी रिपीट हो सकते हैं. इन केस ऑफ ट्विंस पॉसिबिलिटी तो है, अगर कि एक क्लास में मेरे पास ट्विंस हो, फादर का कॉन्टेक्ट नंबर मैं स्टोर करा रही हूँ तो दोनों का सेम हो सकता है, राइट. बट रोल नंबर तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिफरेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रोल नंबर. नाउ नेक्स्ट इज योर फ्रेंड निशा हैज बीन गिवन अ टास्क टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हर स्कूल. अब उसने क्या, उसको क्या टास्क दिया गया कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने क्लासेस में, हर एक का रिकॉर्ड स्टोर कराना है. तो अब मैं किसको प्राइमरी की हम सेट कर सकते हैं. सी रोल नंबर तो इस केस में मेरा रिपीट होगा बिकॉज रोल नंबर 1 मुझे हर एक क्लास में मिलेगा, रोल नंबर 2 भी मुझे हर एक क्लास में मिलेगा. तो दैट मीन्स अगर मैं सारे स्कूल का डेटा स्टोर करा रही हूँ तो वहां पर मैं रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की नहीं ले सकती. सो द करेक्ट आंसर वुड बी एडमिशन नंबर. वो आपका हर एक स्टूडेंट का क्या होगा, डिफरेंट. So that's all about the competency based questions. I hope you have enjoyed this video and learned a lot. And don't forget to share this video with other students also so that maximum students can take the benefit of this video. I hope video pasand aaya hoga. If yes, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling. Keep studying. Thank you.